14 के बाद उसका मशीनियां बंद हो गया था, वो खत्म बंद हो गया। हर एक इंडियन को क्यों गाली दे रहे हैं, क्यों गाली दे रहे हैं? पेपर लीक अपने पिता जाए पूछे हम नहीं तो ये भी सरकार में थोड़ी ना यार। कौन खटाखट देगा, कौन गारंटी देगा? 10 साल जो सरकार की योजनाएं रही फायदा हुआ, फायदा हुआ और नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या हुआ? हाँ, चावल तू ले तुआ, दाल तू खा तुआ, घर तू ले तुआ, खा तुआ का। इतना भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, अखिलेश यादव सब साथ में, गठबंधन तानाशाह के खिलाफ, उसके बाद भी आप करें एलिजिबल नहीं है। ऐसा है कि वो सब बातें कर रहे हैं जो कि इंडिया की पब्लिक जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम अपने भारत के विषय में सोचेंगे ना। आप रहेंगे इंडिया में, खाएंगे इंडिया में, और जो ओपिनियन देंगे फॉरेन में, आप फॉरेन में जा करके क्यों ओपिनियन नहीं, इंडिया को गाली दे रहे हैं? इंडिया के पब्लिक क्या पागल हैं? पागल हैं आप? क्यों इंडिया, हर एक इंडियन को क्यों गाली दे रहे हैं, क्यों गाली दे रहे हैं? मेरा ओपिनियन है देश में, अगर ओपिनियन विपक्ष क्या करेगा, विपक्ष क्या करेगा? नहीं नहीं, ओपिनियन सही आप दीजिए जो रियल है। ये फ्रॉडिया आप पब्लिक के दिमाग को डाइवर्ट न करें। आखिर पूछिए कि जब 15 लाख रुपया खत्म आ गया, क्या 3 साल का अग्निवीर बना दिए? सुनिए, 3 साल अग्निवीर बनाया जो लड़का तैयारी कर रहा, सुनिए चाचा, सब लोग है ना, कुछ लोग यहाँ बनिया वर्ग के होंगे जिनका अपना बिजनेस चल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, मैं आपकी बात काफी देर से सुन रहा था। सुनिए, आप कास्ट के ऊपर मत जाइए, यहाँ पे कास्ट और रिलीजन की बात नहीं हुई है। नहीं, नो, आप एकदम नहीं, बिजनेसमैन आप हरदम क्यों कास्ट और रिलीजन पे क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं? इंडियन की बात आप करते नहीं, आप मचाने से नहीं होगा। 15 लाख रुपए खाते में आ गया क्या? हमने जितनी भी बातें की हैं, नहीं नहीं, मैंने जितनी भी बातें की हैं, मैंने कास्ट और रिलीजन के ऊपर कोई बात किया है? पेपर लीक हो गया भैया, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, मैं खुद पेपर दिया हूँ, ठीक है? अभी तक कोई नोटिफिकेशन, कोई डेट बताए हैं क्या? बताइए, इस पे जरा सवाल पूछिए। वह अभी जो है तह में जा रहे हैं, जब तह में जा रहे हैं, योगी ने तो ये कहा था ना, योगी ने लखनऊ में, हाँ, तब जाके पेपर रद्द हुआ। योगी ने तो ये कहा था ना, अभी पत्रकार भैया जी, जी आपने भी कवर किया होगा, लखनऊ में पूरे प्रदेश के बच्चों ने जब जाके प्रोटेस्ट किया, तब जाके पेपर जो है रद्द हुआ, ठीक है? लेकिन उसके बाद योगी ने ये कहा कि हाँ भाई, एक विदाउट निःशुल्क सरकार, देखिए राम मंदिर बनाया, सब कुछ ठीक, अच्छी बात है, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेरोजगारी भी तो मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, बताइए। सुनिए भैया, सुनिए, मैं भी इस बार बिहार टीचर का एग्जाम दिया हूँ और वो भी कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम इनके में पेपर लीक हो रहा है तो पता तो चल जा रहा है और कैंसिल हो जा रहा है। ईमानदार बच्चों के साथ धोखा नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी सरकार में तो ईमानदार बच्चों के साथ धोखा होता रहता था, पेपर लीक हो जाता था और लोगों को पता नहीं चलता था, और नकल से पास हुए लोग नौकरी पा जाते थे, और उसके बाद जब आप जाके प्राइमरी स्कूल के टीचरों से लिखवाइए कि ABCD लिख दो, तो उनको वो भी नहीं याद था, उन्हें कुछ नहीं याद था। बिल्कुल, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी, लखनऊ में यही हाल था, आप जाके देखिए यूट्यूब पे। नहीं नहीं, बिल्कुल, दरअसल क्या है कि हम लोग जो है, कोई भी अगर छींकता है, अगर तबीयत खराब हो जाए, हम लोग सीधे जो है सरकार के ऊपर दोषारोपण करते हैं, ठीक है? हम अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढते हैं, अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढते कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। क्या ऐसा कुछ प्रूफ हुआ है क्या कि योगी जी पेपर लीक करवा दिए? हमारे और आपके बीच में ही कोई लीक है तो पूछने किससे भाई? नहीं नहीं, सरकार है, ठीक है, अगर जो लीक कर रहा है उसको पकड़ा गया है या नहीं, एस या नो में आप ही जवाब दे दीजिए, पकड़ा गया है कि नहीं, पकड़ा गया है कि नहीं, नहीं पकड़ा गया तो आप बता दीजिए। सरकार भक्त मत बनिए, सरकार भक्त कोई नहीं है, सरकार भक्त बनने से कुछ नहीं होता, अगर असली देशवासी हैं तो देश भक्त बनिए। अरे आप कह रहे नहीं, पेपर लीक किससे पूछा जाएगा? हम पेपर लीक अपने पिता जाएंगे पूछे, हम किससे जाएंगे पूछे? अधिकारी जाएंगे पूछने? अधिकारी जो मोदी जी अगर चुनाव में लड़े थे तो फिर क्यों कहते कि पाकिस्तान जो है, अगर हम हार गए तो पाकिस्तान फिर आग दिखाने लगेगा? बात मुझे समझा दीजिए, थोड़ा इसी पाकिस्तान लेके आ गए ना, अब मेरा एक सवाल बन जाता है, सुन लीजिए मेरे भाई, पाकिस्तान की जब चर्चा हो गई तो एक चर्चा ये भी बढ़ गई कि आखिर में कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री रहे, कांग्रेस एक बड़े नेता रहे, वो ये कह देते हैं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर दिखाइएगा आंख तो उसके पास भी छोटा मोटा कुछ चीज नहीं है, वो गोला और बारूद दिखाने लगते हैं। क्या ये चुनाव में ये बात उसको बढ़ावा दे रहे हो या देश को बढ़ावा? हम देश के साथ हैं। अगर वो इतनी दिखाएगा तो हम इतना दिखाएंगे, हमारे पास उससे ज्यादा है। लेकिन 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 मोदी जी क्या चाहिए? मोदी जी आपने उसके विषय में क्या नहीं बोला?
नहीं खिलाफ है, उनके खिलाफ है। आपको जब याद दिलाया गया तब आप बोल रहे हैं, जब आपको याद दिलाया गया तब आप बोले, उसके पहले आप बोलते तब ना हमें लगता कि आपने सही बोला है। हमसे सवाल करेंगे तभी जवाब लेंगे, क्यों नहीं? हम अपने आप पहले बोले, आप पहले बोलिए ना। समस्या इस बात की है यहाँ पर कि यहाँ पे देशभक्ति ज्यादा है, लोगों को सरकार की भक्ति पसंद है। ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, सरकार की, कांग्रेस के नेताओं कह रहे हैं मोदी 20 बार प्रधानमंत्री बन जाए लेकिन जवाहरलाल नेहरू के पैरों की धूल नहीं हो सकते। ऐसा नहीं, मैं तो इस बात मैं भाई उन्होंने कहा है, उनका वक्तव्य है, आप उनसे पूछेंगे ये बात, मुझसे तो पूछेंगे नहीं बात, न वो गवर्नमेंट में न वो सरकार में। चुनाव के दौरान ऐसे नहीं तो ये भी सरकार में थोड़ी ना यार, नहीं जो गवर्नमेंट सरकार में अटैक कर रहे हैं, ये हमें तुरंत अटैक कर रहे हैं, वो हमारे भक्त हैं। अरे मैं अपना काम करता हूँ, अपना खाता हूँ, कमाता हूँ, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ। यहाँ पे बोलते हैं, आज के चार दिन पहले बोलते हैं कि सारे आजमगढ़ की पब्लिक हमारे बेटे हैं। क्या यहाँ पे लूले लंगड़े हैं? क्या किसी एक भक्त है? क्या है? हम लोग लूले लंगड़े हैं, काम आते नहीं है। परिवार मानते हैं वो आजमगढ़ को? कौन परिवार मानता है? यूज यूज इन थ्रो। तो मोदी जी तो कहते हैं कि यूज इन थ्रो। चक्रपान में मेडिकल जो है पूरे लास्ट में क्यों डाला गया? क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए डाला गया, क्यों नहीं मिडिल में उसको रखा गया? यहाँ के 75% आबादी वहाँ पे नहीं जा पाती है मेडिकल के पास, क्यों नहीं हार्ट ऑफ द सेंटर मिडिल में रखा गया? क्यों आउटसाइड में रखा गया? 25 किलोमीटर दूर पे क्यों रखा गया मेडिकल? क्या ये गोलार्ध के बीचों बीच में सेंटर पॉइंट में रखना जरूरी नहीं था? क्यों नहीं जगह रहे? यह नहीं बोलिए कि जगह नहीं रहा। अरे खोजने से समुद्र में तो हीरा भी मोती भी मिलता है, पहले आप खोज के तो दिखाइए। सही बात बोला उन्होंने, खोजने से जो है मोती भी मिल जाता है। आजमगढ़ को क्या मिलेगा? आजमगढ़ को उसका नेता मिलेगा, और वो नेता मिलेगा जो उसका विकास करेगा, जो उसका अपना समझ के रहेगा। 15 महीने वाला, 15 महीने हो या 15 साल वाला या 45 साल वाला, जो काम करेगा वही बेटा होगा, वही बाप भी होगा, वही भाई भी होगा। 15 महीने या 15 साल से कुछ नहीं होता भाई साहब। एक बात, 10 साल में विकास हुआ देश में? अगर विकास नहीं होता तो हम चांद पे कैसे जाते? विकास नहीं होता तो हम मंगलयान क्यों बनाते? विकास नहीं होता तो आज हमारी अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे कैसे रहती? तीसरे पे आप है कैसे आती? विकास अगर हो रहा है, चारों तरफ हो रहा, मगर विकास ही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। परिवर्तन नहीं होगा? परिवर्तन की जरूरत क्या है? परिवर्तन की जरूरत क्या है? राहुल गांधी कह रहे खटाखट खटाखट यूं बेरोजगारी मिटा देंगे हम। विपक्ष नहीं होगा तो फिर पक्ष की क्या औकात रह जाएगी? तो वो तो डिक्टेटरशिप रह जाएगी ना। विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है, जितना हमारा पक्ष होना जरूर उतना विपक्ष भी होना चाहिए। अगर रोकने वाला नहीं होगा, जैसे अगर रोकने वाला नहीं होगा तो लोग तानाशाह हो जाएंगे, जिंपिंग हो जाएंगे, अपने देश में इलेक्शन कराएंगे ही नहीं। इसलिए विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है। ये कह रहे हैं कि देखिए इस बार का ये आम चुनाव नहीं है, ये लोकसभा चुनाव नहीं है, ये डिक्टेटरशिप जो व्यक्ति है जो सोच रहा है, जो संविधान बदलने की बात बार बार वो संविधान में लेके चल रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार बदल दीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हर आदमी कोशिश करता है, हर आदमी कोशिश करता है। राहुल गांधी भी कोशिश कर रहे हैं सरकार बदलने की, और मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो भी कोशिश कर रहे हैं सरकार बनाने की। ताकत दोनों आजमा रहे, फैसला हमारे हाथ में, हमारी उंगली में, हम बटन दबा के उनको बताएंगे किसकी सरकार बनेगी, कौन खटाखट देगा, कौन गारंटी देगा, उसकी बात होगी। हाँ, किसकी गारंटी काम आएगी या किसका खटाखट काम आएगा वो हम बताएंगे। राहुल गांधी से जुड़ने से मन नहीं है हमको, अपने भविष्य को, फ्यूचर को देखने का मन है कि हमारा भविष्य फ्यूचर कौन लेके आगे जाएगा। आगे राहुल गांधी लेके जाते हैं कि मोदी लेके जाते हैं? भाई राहुल गांधी या मोदी? मोदी जी लेके जाएंगे, मोदी जी लेके जाएंगे, क्योंकि मोदी जी लेके जाने वाले हैं। इसलिए कि आज सबको देश में अगर एक साथ एक जहां खड़ा करने वाला अगर कोई है तो मोदी जी हैं, जो कल बटे हुए थे, आज सबको एक साथ भाईचारगी सिखा दिए, सब एक साथ एक मंच पर खड़े होकर अब एक साथ एक ही बात बोलते हैं। तो इससे बड़ा भाईचारगी कहाँ होगी जिन्होंने मोदी जी सिखा दी, भैया एक मंच पर सब लोग आ जाओ, टूट के कब तक रहोगे? मंच पे किस लिए आए? कह रहे ये तानाशाह लगातार तानाशाही फैला रहा है भाई। भाई वो इस तरीके से बात विवाद करके देश में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, कि लोगों के अंदर भय पैदा करना चाहते हैं कि भैया देखो ये रहेंगे तुम्हारे साथ ये घटित हो जाएगा, अगर ये आ जाएंगे तो वो कर देंगे, जैसा है कुछ भी नहीं। रही बात मोदी जी की,
अमेरिका में हर 10 साल पे प्रधानमंत्री बदल दिया जाता है। ओबामा बहुत अच्छे नेता थे और देश को बहुत अच्छा उन्होंने चलाया, मगर वहाँ की जनता ने उनको भी हटाया। तो सरकार बदलती रहना चाहिए, अगर एक आदमी रह जाएगा तो वो डिक्टेटर हो जाएगा। ये बात जो जनता कह रही है या राहुल गांधी कह रहे हैं या लोग कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। हाँ, तो मोदी इस बार मौका बदलनी चाहिए, इस बार छुट्टी हो जानी चाहिए। छुट्टी नहीं भाई, कांग्रेस भी चुप 50 साल, वो क्यों नहीं बदली गई? तब क्यों नहीं 10 किलो गल्ला वो दिए? तब क्यों नहीं 10 किलो गल्ला दिए? कहाँ, कब दिए, कब दिए? 4 बार मायावती मुख्यमंत्री नहीं, सरकार बदल गई। सही बात करो, सही बात करो, चिल्लाओ मत, बात करो। क्या नाम हुआ आपका? हो गई नहीं बात, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलाम रसूल है। 10 साल जो सरकार की योजनाएं रही, फायदा हुआ? फायदा हो बहुत हुआ, फायदा हुआ और नुकसान भी हुआ, फायदा भी हुआ। नुकसान क्या हुआ? हाँ, अब आएगी तो उसको जब हम लोग कहेंगे वही बोला जाएगा। नुकसान तो आप हम लोग खुद ही देख रहे हैं, आप उस जनता देख रही है, क्या हम बताएं? गेहूँ तू लेता, चावल तू लेता हुआ, दाल तू खाता हुआ, घर तू लेता हुआ, दलाल खाता हुआ, क्या मोटवाल ने क्या कर बताता है? 40 साल में माननीय विधायक जी के घर का रोड जहाँ रोज जाते हैं नहीं बना, 2.5 वर्ष में बना। बताइए आप, 2.5 वर्ष के कार्यकाल में उनके घर का रोड बना पूर्वी माई का, 15 महीने। हाँ, 15 महीने में अभी, और इनके में 40 साल लग गया, अभी तक वो अपना रोड नहीं बनवा पाए, गुलामी के पूरा का रोड नहीं बनवा पाए। मगर कम से कम बीजेपी आई तो राहुल ने इतना तो किया कि हम लोगों को सुरक्षित किया, कितनी मोबाइलें गिर गई कई लाखों उस रोड पर, गुलामी पूरा से लेकर हराक चुंगी तक। यहाँ लोग गवाह होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी मोबाइल न गिरी हो। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि नेताजी को यहाँ प्रेम मिलता रहा। छोड़ दिए भैया हम लोगों को मझधार में 2.5 साल बाद, चुनाव क्यों थोप दिए? अगर इसको घर मानते हैं तो यहाँ क्यों नहीं रहे? क्या नाम हुआ आपका? नाथ कुमार। आपने वोट कर दिया? हाँ, वोट कर दिया। आपका क्या राव ओपिनियन? मेरा राहुल ये है कि भैया आज 7 साल हो गए भाजपा के हुए, कोई बता दे यूपी में कोई दंगा हुआ हो? क्या बात है, बस यही है हमारा, ये भी सही है, बता दे कोई रहा। बिल्कुल मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। रात को 11 बजे 12 बजे उठते सड़क से चली जाए, सड़क घर चली जाए, कोई किसकी हिम्मत नहीं, कोई नहीं उठा के देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या मुद्दा नहीं हो रहा है? क्या मुद्दा नहीं हो रहा? कोई गरीब घर का आदमी आज की डेट में भूखा नहीं सो रहा है, किसके देन है? मोदी जी के देन है, मजबूरी है भाई। नहीं तो राहुल गांधी भी कह रहे हम 10 किलो अनाज देंगे खटाखट 8,500 रुपए खाते में। बालू गिरेगा, जो समुद्र का बालू सफेद गिरेगा या तो लाल गिरेगा, अब वही लेकर के बेचेंगे इनको। अब रही सवाल जो है इनकी बात, मैं तो 1977 से जानता हूँ, पहली कैंडिडेट हमारी आजमगढ़ की कांग्रेस की मोहसिना की दवाई थी, ये मेरे होश की बात है, मोहसिना की दवाई, वह 1978 की आई थी, हम उस समय प्रचार कर रहे थे। जीतने के बाद आज का ये 1978 और 2024, दूसरी बार अगर आई होंगी आजमगढ़ में तो किसी जनता का नाम है बता दीजिए, वो आई है झांकने के लिए? कभी नहीं आई है। हमारे शहर के सांसद माननीय संजय सिंह थे, माननीय संजय सिंह, उन्होंने भी क्या कांग्रेस का कर लिया? वही संतोष सिंह, यही आजमगढ़ शहर के रहने वाले, आज ने बीजेपी में गए हैं 1977 और 1978 और 2024, इतना गैपिंग कांग्रेस वालों ने आजमगढ़ के लिए क्यों रखा? क्यों सौतेला व्यवहार किया? अरे सौतेला व्यवहार की तो ये अखिलेश यादव यहाँ से सांसद होके जाते, लालटेन लेके खोजना पड़ा था उनको, लालटेन लेके खोजना पड़ा था अखिलेश को, देखिए भाई साहब, अखिलेश को लालटेन लेके खोजना पड़ा था। ऑल ओवर इंडिया दैनिक जागरण पेपर आप देखते होंगे, मैं 2015 मैं उड़ीसा में शिफ्ट था, वहाँ पे भी इनका कारनामा देखा था कि हमने हमारे आजमगढ़ के सांसद जो है गुम हो गए हैं। 14 के बाद उसका मशीनिया बंद हो गया था, राहुल गांधी का बंद हो गया था मशीनिया, जो खटाखट बता रहे हैं ना वो खत्म बंद हो गया था, अब चालू हुआ है खटाखट। अरे आएंगे तो देखा जाएगा, देखिए आने वालों का, देखिए
हाईवे करेंगे। जाने वाले को कौन रोक सकता है भाई? क्या नाम है? राजेश, राजेश। हाँ, वोट कर दिया। आपका क्या उद्देश्य है? हम विकास के नाम पे दिए हैं और हम देश की विकास चाहते हैं। गठबंधन भी कह रहे हैं हम विकास करेंगे। अरे गठबंधन क्या, वो ठगबंधन है। जवान की बात है, चाचा ने छीन लिए। संतरा देखे ऑरेंज, जस्ट लाइक गठबंधन है। छील दिया जाएगा सब, फाके अलग हो जाएंगे। वाह वाह, क्या बात है। सीधी बात है, गठबंधन तो 1978 में बना था, अटल जी ने बनाया था गठबंधन, लोकदल बना था। 18 महीने सरकार चली थी। क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं? क्या 18 महीने बाद सरकार बदलते रहे, करोड़ों खर्चा करते रहेंगे? धूप में आप परेशान रहेंगे, हम परेशान रहेंगे? रही घर दे, रही खाना देने के बाद उनकी माँ नहीं खाना दे पाई इंदिरा गांधी, राहुल के क्या औकात है जो खाना दे देंगे हिंदुस्तानियों को? गरीबी मिटाते मिटाते 2000 इंदिरा गांधी से 1979 में हाजी मस्तान ने कहा था बॉम्बे का, क्या कहा था? कि अगर आप हमको 2 दिन के लिए जेल से छोड़ दे, पूरे हिंदुस्तान को खाना खिला देंगे। इंदिरा गांधी की गरीबी हटा देंगे, इंदिरा गांधी की बोल दी बंद हो गई। राहुल के औकात है वो खाना खिला देंगे?